खाते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व विधायक कुशल दीप सिंह किक्की ढिल्लों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने उनके दो साथियों पर भी केस दर्ज किया है। फिरोजाबाद में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। किसान समाधान दिवस में किसानों की समस्याएं सुनी गई है। मौके पर कृषि से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। पिथौरागढ़ में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर कुल 15 शिकायतें आई हैं। समस्याओं के समाधान के लिए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में एक स्कूल में हार्ट अटैक आने से छात्र की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मामला इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हरदोई में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। आगरा में युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। युवक ने जहर खाकर वीडियो बनाया था जिसमें 2 युवकों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। पैसे के लेन देन को लेकर युवकों ने मृतक से मारपीट की थी। मामला थाना जगनेर क्षेत्र का बताया जा रहा है। अकोला के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के अधिकारियों की सतर्कता से पिता और बेटे की जान बच गई है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। रेलवे प्रशासन ने अपने दोनों जावाज अधिकारियों की प्रशंसा की। दिल्ली में पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में खुलासा किया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 3 मोबाइल, 4 सिम, 55 फर्जी विजिटिंग कार्ड और लैपटॉप भी बरामद किया गया है। श्रावस्ती में नहर में नहाते समय एक व्यक्ति डूब गया। नहर पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर गोताखोरों और पुलिस की टीम पहुंच गई। मामला सिरसिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। नवीन हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर और फायर ब्रिगेड की टीम ने मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। कानपुर में ई रिक्शा के विवाद में फूफा ने अपने भतीजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है और युवक को बचाने के लिए उसकी पत्नी समेत 2 अन्य महिलाएं झुलस गई है। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा में शिक्षक ने स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की। शिक्षक पर कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्राओं के ने डीएम से बंदूकबाज शिक्षक की शिकायत की है और पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ताजमहल में एंट्री ड्रोन सिस्टम का ट्रायल किया गया है। पुलिस ने एंट्री ड्रोन सिस्टम का ट्रायल किया है। पौड़ी में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर डीएम और सीडीओ मौजूद नहीं रहे हैं और इस कारण कई फरियादियों को अपनी शिकायत को लेकर वापस लौटना पड़ा। आगरा में 40 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मासूम की हत्या की थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा है। मामला खेरागढ़ थाना कमिश्नरेट क्षेत्र का है। बागपत में मकान और दुकान में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का है।
बदायूं में ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग लग गई है। आग की लपटें देख भगदड़ मच गई। ट्रांसफार्मर फटने से इलाके की बत्ती गुल हो गई है। ट्रांसफार्मर फटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला भवानीपुर गांव का है। फिरोजाबाद में पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी भागने में सफल रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी एक्शन में नजर आ रही है। रितु महेश्वरी ने वर्क सर्कल 1, 2, 3, 4, 5 में साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने 3 जेई को तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान उन्होंने 3 मैनेजर, 2 कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है और 45 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मेरठ में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है। घर में घुसकर दंपत्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि 2 बदमाश फरार होने से कामयाब रहा है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश से एक बाइक, तमंचा और लूट के जेवर बरामद किए गए। महिला के साथ स्नैचिंग कर भागे बदमाश को पुलिस पूर्वी दिल्ली की प्रेत विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार स्नैचर की पहचान जगतपुरी निवासी मोहित के तौर पर हुआ है और इसकी गिरफ्तारी से 5 मामलों का खुलासा हुआ है। रायपुर में टैंकर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बस सवार 25 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस बिलासपुर से रायपुर आ रही थी। मुजफ्फरनगर में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है। युवक अपने घर से दवाई लेने के लिए निकला था। गवाह पर हमला करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में जिला कारगर के शौचालय में बंदी का शव फंदे से लटका मिला है। मृतक प्रेमिका की हत्या के मामले में जेल में बंद था और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। जल्द लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ।